कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र विषय में आज इकाई 4 बाजार के स्वरूप तथा सामान्य अनुप्रयोग द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य निर्धारण इस विषय को आज पढ़ेंगे अपन। तो बाजार क्या होता है, जहां पर अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की वस्तुओं को अपन मूल्य देकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बाजार के कई प्रकार होते हैं। मान लीजिए आप स्थानीय बाजार हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजार हो गया, और मतलब हर छोटी से छोटी वस्तु अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, बाजार, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपन कोई भी वस्तु का जब खरीदते हैं या लेने जाते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, अपन बाजार। बाजार कई प्रकार के होते हैं, हर वस्तु के लिए बाजार होते हैं। तो सामान्य रूप से भी बाजार होते हैं जो हमेशा दीर्घकाल तक चलते हैं, कुछ अल्पकालीन बाजार होते हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय मतलब बाजार भी होते हैं। तो मूल्य जिस पर मतलब जो वह मूल्य जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु जब आप कब खरीदोगे कोई वस्तु को, जब आप उसकी मांग एवं पूर्ति, आप उसको मांग रहे हैं और उसकी पूर्ति कौन करेगा, वो उत्पादक करेगा। तो मूल्य जिस पर मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, साम या संतुलन बिंदु कहलाता है। जब कोई वस्तु की अपन मांग करते हैं और उसकी पूर्ति दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर बिंदु पे होंगे, तो वह क्या कहलाएगा, साम या संतुलन बिंदु कहलाएगा। किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग, मतलब अगर कोई भी वस्तु अपन को खरीदना है तो सबसे पहले अपन क्या पूछते हैं, उसकी उस वस्तु की क्या पूछते हैं, अपन मूल्य पूछते हैं। वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मतलब जितनी आवश्यक वस्तु वो मतलब आपकी जो मतलब जो मांग है कि आपको आवश्यकता है उसी को आप क्या करोगे, उसी वस्तु को क्या करोगे, खरीदोगे। तो वस्तु की मांग एवं पूर्ति सापेक्षिक शक्तियों पर निर्भर करती। फिर परंपरावादी विचारधारा के समर्थक एडम स्मिथ ने और रिकार्डो ने कहा है कि मूल्य केवल उसकी उत्पादन लागत के द्वारा ही क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब कोई भी वस्तु है उसका मूल्य है उसकी काय पर लागत होगा, उसकी वस्तु की उत्पादन लागत पर वस्तु का मूल्य क्या होता है, निर्भर होता है। ऑस्ट्रेलियन विचारधारा में समर्थक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बॉलरस ने भी, जो बॉलरस है उन्हें जेवस का नाम भी प्रमुख है, वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के आधार पर, मतलब आपको जिस वस्तु की उपयोगिता है, मतलब जो किसी वस्तु की आपको उपयोगिता है उसी के आधार पर उस वस्तु का मूल्य क्या होता है, निश्चित होता है। फिर कुछ आधुनिक विचारधाराएं आधुनिक विचारधाराओं के समर्थकों ने अर्थशास्त्री जो जैसे कि मान लीजिए प्रोफेसर मार्शल का प्रमुख मत है कि किसी वस्तु का मूल्य ना अकेले उत्पादन लागत पर तय होता है और ना ही अकेली उपयोगिता के द्वारा निश्चित होता है। मार्शल ने अपना मत दिया है किसी वस्तु की मूल्य ना अकेले उत्पादन लागत पर तय होता है और ना ही उपयोगिता द्वारा निश्चित होता है। मार्शल के अनुसार जिस प्रकार कपड़ा काटने के लिए कैंची की दोनों फलकों का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मूल्य निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति, जब किसी वस्तु की मांग होगी आप मतलब जब आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता हम किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं और जो उत्पादक होता है उसकी दोनों की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो मांग और पूर्ति पर मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है। हम मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति की आवश्यकता पर निश्चित होता है। फिर मांग से पूर्ति क्या हो जाती है, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो पूर्ति क्या होगी, बढ़ जाती है। तो साम्य मूल्य कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके विपरीत वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु का मूल्य कैसा हो जाएगा, संतुलन मूल्य कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वस्तु की जब मांग बढ़ती है तो
हमें तत्व का प्रभाव स्पर्शता कैसा होता है, फल होता है, और समय जितना कम होगा मूल्य पर, जो जितना कम समय पर मूल्य पर मांग का प्रभाव भी क्या होगा, अधिक होगा, एवं पूर्ति का प्रभाव कैसा हो जाएगा, कम पड़ता है। मतलब जब समय जितना कम होगा और मांग मूल्य पर मांग का प्रभाव अधिक होगा। आप देखिएगा जो स्थानीय मतलब जो अल्पकालीन बाजार होते हैं उन पर ये समय जितना कम होता है उसमें मूल्य का मांग का प्रभाव भी कैसा होता है, अधिक होता है, और पूर्ति का प्रभाव कैसा हो जाता है, कम। और समय जितना अधिक होगा मूल्य व पूर्ति का प्रभाव भी मांग के प्रभाव पर कम दिखाई देगा। मतलब जो लंबे समय तक बाजार चलते रहते हैं, जो दीर्घकालीन बाजार होते हैं उनमें मूल्य और पूर्ति का प्रभाव अधिक एवं प्रभाव कम दिखाई देता है। जो अति दीर्घकालीन में मांग एवं पूर्ति पक्ष में व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसका मूल्य पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो दीर्घकाल अति दीर्घकालीन बाजार होते हैं उन्हें मांग और पूर्ति उनमें व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं और जिस पर उनका क्या होता है, मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक परिकल्पना है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है वह कैसी है, एक परिकल्पना है, पर सिर्फ सोचते हैं इस विषय, व्यवहारिक जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। व्यवहारिक दैनिक जीवन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। जो बाजार मूल्य होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्पकालीन मूल्य होते हैं, जो मांग और पूर्ति की सापेक्षित शक्तियों में अल्पकाल में क्या होते हैं, ये तय होता है। यह मूल्य वास्तविक मूल्य कहलाता है। मतलब जो बाजार का मूल्य होता है वह कैसा होता है, अल्पकालीन मूल्य होता है, और मांग और पूर्ति इनकी क्या होती है, सापेक्षित शक्तियों के द्वारा ये अल्पकाल को तय करता है और मूल्य वास्तविक मूल्य कहलाता है। फिर सामान्य मूल्य क्या होता है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। जो सामान्य मूल्य होते हैं मतलब बाजार में जो मूल्य लगते हैं दीर्घ लंबे समय के लिए जो मूल्य होता है वह सामान्य मूल्य होता है। मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा दीर्घकाल तक निश्चित होता है, यह काल्पनिक मूल्य कहलाता है। फिर एकाधिकार बाजार, जिसमें किसी वस्तु की एक ही विक्रेता होता है, जो एकाधिकार एकमात्र बाजार होता है जिसमें केवल एक ही वस्तु की क्या होती है, एक ही वस्तु ही विक्रेता होता है जिसका निकट स्थापन नहीं होता। उदाहरण के लिए भारतीय रेल, ये क्या है आपका एकाधिकार बाजार, आप देखोगे भारतीय एक पदक इसमें और कोई दूसरा विक्रेता नहीं होता, उसका स्थापन भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार बाजार। फिर है अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कुछ बड़े बड़े विक्रेता, हाँ जो अल्पाधिकार होता है जिसमें कुछ बड़े बड़े विक्रेता बड़ी संख्या में क्या करते हैं, क्रेता होते हैं, जो एक दूसरे के उत्पादन के निकटतम स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मतलब एक बड़े कोई भी कुछ भी बड़े विक्रेता होते हैं जो बड़ी संख्या उसके बड़े बड़ी संख्या में क्रेता भी होते हैं जो एक दूसरे के उत्पादन के निकटतम मतलब उस वस्तु की स्थापन स्थापन मतलब बदले में कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप प्रत्येक विक्रेता के पास बाजार मूल्य का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो कैसा होता है, गहन एवं कठोर प्रतियोगिता पाई जाती है। फिर एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है उसमें वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, प्रत्येक विक्रेता में उत्पादन विक्रेता के उत्पादन में किसी ना किसी रूप में कैसे होता है, ये किसी ना किसी रूप में भिन्न होता है। तो ये आपके बाजार मूल्य सामान्य मूल्य सब हो गए। फिर पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, मतलब क्रेता और विक्रेता के बीच की संख्या जो अधिक होती है, जो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा भी कहेंगे इसको, तो क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है और उनके मध्य वस्तुओं का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होते हैं मतलब प्रतियोगिता होती है उसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या कैसी होती है, अधिक अधिक संख्या में होते हैं, उनके मध्य
स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता, मतलब अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं क्रेता और विक्रेता दोनों, जिनमें जिनके कारण वस्तु का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और वस्तु की समरूपता और साधनों की प्रगति होती है प्रतियोगिता। तथा जो वस्तु की समरूपता और साधनों की गतिशीलता दिखाई देती है। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के ठीक विपरीत संबंध मतलब दशा पाई जाती है। स्पष्ट लागत वे होती है जो उत्पादक व उत्पादन के प्रयोग के लिए अपने साधनों को आरोपित करता है। मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें क्रेता विक्रेता की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की जिससे क्या है, विपरीत होती है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों रूप से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। फिर स्पष्ट लागत वे है जो उत्पादक द्वारा, मतलब कोई भी उत्पादक द्वारा उत्पादन के प्रयोग में किए गए साधनों को आरोपित लागत है। फिर इसके कुछ छोटे छोटे प्रश्न है इस पाठ के। तो पहला है, वस्तु के मूल्य निर्धारण के दो घटक आवश्यक हैं। तो कोई वस्तु में क्या होगा, इसमें होगा क्रय विक्रय, पहला मांग और पूर्ति, देनदार व लेनदार और प्राय या दे विपत्ति। तो जो वस्तु के मूल्य के दो घटक आवश्यक होते हैं, तो पहला होता है मतलब जो वस्तु के मूल्य निर्धारण के दो घटक आवश्यक हैं वो कौन से होंगे, मांग और पूर्ति। मतलब जो वस्तु की मूल्य का निर्धारण कौन करता है, मांग और पूर्ति करते। फिर मूल्य निर्धारण में कब अधिक प्रभावशाली होती है, जब मूल्यों का निर्धारण होता है तो वह कब प्रभावशाली होती है, वह अतिकाल अति अल्पकाल में भी प्रभावशाली होती है, अल्पकाल में भी प्रभावशाली होती है, अधिक काल में भी मैं प्रभावशाली नहीं हूँ। तो उसका सही आपका विकल्प रहेगा कि जो मूल्य निर्धारण में मांग के कब प्रभावशाली होती है, तो वह होती है टी, अति अल्पकाली एवं अल्पकाल दोनों। फिर है संतुलन मूल्य का निर्धारण, जो संतुलन मूल्य होता है उसका निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग पूर्ति की क्या हो, बराबर हो, मांग पूर्ति के अधिक हो, मांग पूर्ति के कम हो और मांग पूर्ति में किसी प्रकार का संबंध ना हो। तो वस्तु का जो तो मांग और पूर्ति कैसी होती है, हमेशा मतलब जो साम्य बिंदु होता है कैसा उसका होता है, मांग और पूर्ति कैसी होती है, बिल्कुल साम्य बिंदु पर होती है। मांग पूर्ति अधिक हो तो इसका आपका सही आंसर होगा संतुलन मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति कैसी होती है, बराबर होती है। साम्य संतुलन बिंदु होता है उसमें मांग और पूर्ति जब बराबर होती है तो संतुलन मूल्य कैसा निर्धारण, कैसा निर्धारण बिंदु कैसा होता है, बराबर होता है। फिर है बाजार मूल्य वह है जो प्रचलित होता है। तो बाजार मूल्य कैसा होता है, अल्पकाल के लिए होता है, दीर्घकाल के लिए होता है, अति दीर्घकालीन होता है या उपयुक्त सभी। तो जो बाजार मूल्य होते हैं वह कैसे होते हैं, अल्पकाल के लिए, मतलब बाजार में परिवर्तन होता रहता है, इससे जो बाजार का मूल्य है वह कैसा होगा, अल्पकाल के लिए होगा। कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है, तो कौन सा मूल्य काल्पनिक, बाजार मूल्य, साम्य मूल्य, वस्तु या अल्पकालीन मूल्य या फिर आपको बाजार एवं सामान्य मूल्य। तो कौन सा मूल्य काल्पनिक, तो सामान्य मूल्य कैसा होता है, काल्पनिक होता है। सामान्य मूल्य कैसा होता है, काल्पनिक होता है। फिर है जिसमें पूर्ति में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, मतलब जो भी पूर्ति है में कोई भी परिवर्तन संभव ना हो, वह बाजार कौन सा बाजार होता है, तो अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन या अति दीर्घकालीन। तो जो पूर्ति में कोई परिवर्तन संभव ना हो, नहीं होता, वह होते हैं अति अल्पकालीन बाजार। फिर सत्य असत्य बताइए, ये आपको एक एक नंबर के प्रश्न है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र होती है,
पूर्ण प्रतियोगिता भी मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में केवल कल्पना भी की जा सकती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है वह कैसी है? एक कल्पना मात्र होती है। फिर है दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें वस्तुएं कैसी होती है? समरूप होती है। इसमें भी आपका सत्य। फिर है आपको पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म पर विशेष मतलब जो प्रवेश आसानी से नहीं होता, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उस फर्म में, जो फर्म है उसमें प्रवेश आसानी से नहीं होता, तो ये क्या हो गया? ये आपका फिर है पूर्ण मांग पूर्ति में एक साथ कमी के प्रभाव के कारण, तो जो मांग होती है आपूर्ति एक साथ प्रभाव के कारण जहां वस्तु की कीमत बढ़ती है वह संतुलित मात्रा कैसे हो जाती है? वहां पर संतुलित मात्रा कैसे हो जाती है? घट जाती है। जब मांग बढ़ेगी, मांग और पूर्ति में एक साथ कमी होती है, तो उसके प्रभाव के कारण वस्तुओं की कीमत कैसी हो जाती है? बढ़ पूर्ति में क्या हुई? कमी हुई, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वह संतुलित मात्रा में क्या हो जाएगा? उसकी संतुलित मात्रा कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये सत्य है। अल्पकालीन साम्य मूल्य होता है। जो बाजार मूल्य होते हैं वे कैसे होते हैं? अति अल्पकालीन साम्य मूल्य होते हैं, मतलब जो बाजार मूल्य होते हैं वे कम समय के लिए क्या होते हैं? होते हैं। इसलिए ये भी आपका सत्य है। अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित होती है। जो अति अल्पकाल समय होता है तो वस्तु की कीमत काल पर आधारित होती है। वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित होती है। तो किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत काय पर आधारित होती है? मांग पर। तो ये आपके एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आपने सत्य देगी। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर है जिस बाजार में फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है वह क्या? वह खाली स्थान है। जिस बाजार में फर्म क्या करती है? कीमत से स्वीकार करती है, उसे क्या कहेंगे? वह पूर्ण है। मतलब बाजार में कीमत स्वीकार करने वाली होती है वह पूर्ण होती है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें जो क्रेता विक्रेता खरीदने वाला और विक्रेता दोनों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर अधिक प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। मतलब कौन सी प्रतियोगिता में जो क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है वह कौन सी प्रतियोगिता होगी? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक जगत में, जब तक पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वह व्यवहारिक जगत में कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक। फिर है जिस मूल्य की प्राप्ति दीर्घकाल में प्रचलित होने की होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो जिस मूल्य प्रवृत्ति दीर्घकाल मतलब जो लंबे समय तक में चलती रहती है प्रचलित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य। तो ये आपके कुछ प्रश्न उत्तर में आपके रिक्त स्थान भी हो गए। इसी क्रम में सही जोड़ी बनाओ। तो सामान्य मूल्य, तो सामान्य मूल्य कैसा होता है? सामान्य मूल्य होते हैं काल्पनिक होते हैं।
कैसे होते हैं? तो इसके लिए आपका इसकी सभी जोड़ी में आपके लिए आएगा पहला काल्पनिक होते हैं, फिर मांग वक्र का झुकाव होता है। तब मांग वक्र का झुकाव कहां पर अधिक होता है? तो मांग वक्र का झुकाव आपका अधिक होगा बाएं से दाएं की ओर, तब जो मांग वक्र है उसका झुकाव कहां पर होता है? ये दूसरा। फिर है बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य कहां पर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बाजार मूल्य? अति अल्पकालीन होते हैं। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, तो वस्तु का जो मूल्य है उसमें वृद्धि काय पर होती है? वस्तु की, जब कोई वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिर मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? मांग आपूर्ति के पक्षों के द्वारा। अगर आप किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करेंगे तो काय पर निर्धारित होती है, उस वस्तु की मांग पर और पूर्ति के पक्ष के द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। फिर उत्पादन व्यय द्वारा कीमत निर्धारण, ये किसका कथन है? तो ये कथन है रिकार्डो का। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। ये एक एक नंबर के आपके प्रश्न है बेटा, ये 5 मार्क्स की आपकी सही जोड़ी हो गई। फिर आपको इसी क्रम में एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वस्तु के मांग में मूल्य निर्धारण के कितने घटक आवश्यक हैं? तो वस्तु की मांग के मूल्य निर्धारण, मतलब जो वस्तु की मूल्य निर्धारण के लिए कितने, तो मांग और पूर्ति, तो उसके आंसर क्या हो गया? कितने घटक आवश्यक हैं? दो। फिर है मांग पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव किस मूल्य पर पड़ता है? मतलब जो मांग और पूर्ति है उसकी परिवर्तन का प्रभाव किस मूल्य पर पड़ता है? तो मतलब जो अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन मूल्य पर इसका प्रभाव, मांग और पूर्ति का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु का मूल्य क्या होता है? मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसकी, तो पूर्ण प्रतियोगिता में की दशा में वस्तु के मूल्य का, मतलब जो मूल्य होता है वह क्या होता है? तो वह होता है समान। कैसा मूल्य होता है? समान, एक बराबर। फिर है मूल्य निर्धारण के लिए समय के महत्व को किस अर्थशास्त्री ने बताया है? तो जो मूल्य का निर्धारण है समय के महत्व को किस अर्थशास्त्री ने बताया है? तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मूल्य के निर्धारण में समय के आधार पर जो महत्व बताया है वो है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने इसको क्या बताया है? समय के महत्व को इसमें बताया है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य का निर्धारण काय पर होगा? आप वस्तु की जो मांग और पूर्ति पर क्या होता है? वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर होगा मांग और पूर्ति। छोटे छोटे प्रश्न हो गए। अपन ने बाजार के बारे में पढ़ा, बाजार के मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ा, साम्य के बारे में पढ़ा, और कुछ छोटे छोटे वस्तु ने सत्य रिक्त स्थान में पूर्ति करो और एक वाक्य में उत्तर दो, इस बारे इसमें अपन आपको परीक्षा की दृष्टि से, अभी आपके आपके थर्ड मंथली एग्जाम होने वाले हैं इसके हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन थे। धन्यवाद।